लेकिन जब आप प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे, कोशिश करेंगे, कम से कम 2 कदम ना सही 1 कदम चल सकें, कम से कम ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो कर सकें, 4 घंटे ना ध्यान किया जाए कम से कम 40 मिनट तो कर सकते हैं, 40 मिनट ना कर सके 15 मिनट तो कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से ना किया जाए, आंखें बंद करके ना किया जाए, खोल के तो बैठ सकते हैं, अगर खोल के भी बैठ ना पाएँ तो कम से कम चलते हुए तो ध्यान कर सकते हैं। अगर इतना भी ना कर पाएँ कम से कम उसका धन्यवाद तो कर सकते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया, मानव का शरीर दिया, सब चीज़ें दी, सब सुविधाएं दी, सब कुछ प्रदान करने वाले हो, प्रकृति में सब कुछ दिया है तो आपका शुक्रिया। इतना भी नहीं कर पाते, जब हम लोग इतना भी नहीं कर पाते, इतना भी नहीं हो पाता, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए, और मिल भी अभी जाए, कल नहीं आज ही मिलना है हमें परमात्मा से। जैसे परमात्मा किसी का रिश्ते नातेदार है, बुलाएंगे आ जाएगा 5 मिनट में और काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा अलग ताकत है, अलग पहचान है, अलग सत्ता है, सब कुछ सारा ब्रह्मांड उसके अधीन है, उससे ऊपर न संसार में कोई है, ना था ना होगा, ये असंभव है, क्योंकि उसकी एक पलक पड़ती है, एक दृष्टि पड़ती है, सब के सब ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, और जब वो पलक खुलती है तो रचनाएं शुरू हो जाती हैं सब के सब ब्रह्मांडों में। कितनी ताकत है उसके अंदर, कितनी अक्षमता है उसके अंदर, वो अनंत अनंत है, उसका कोई दूसरा कहे कि उदाहरण दे सकते नहीं दे सकते, वर्णन कर सकते नहीं कर सकते, वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अनंत है, अखंड है। लेकिन जब तक आपका ये अखंड जाप शुरू नहीं होगा तब तक आप उस अखंड को कैसे प्राप्त करोगे, जब तक आपका ये जाप नहीं निरंतर चलेगा कैसे उसको प्राप्त करोगे। सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों से सुधार करना है, जीवन से सुधार करना है, अपने अंदर से सुधार करना है। जब तक अंदर से सुधार नहीं होगा, बाहर से हम कितना भी सुधार कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी हर चीज़ को हम मैनेज करके देख लें, लेकिन जब तक अंदर में गंदगी भरी हुई है, मन के अंदर मैल भरा हुआ है, हृदय के अंदर कपट भरा हुआ है, बुद्धि के अंदर बुरे विचार भरे हुए हैं, हमारी सोच गलत हो गई, हमारे विचार गलत हो गए, हमारे अंदर में छुपी हुई जो कमियाँ हैं, जब तक हम इनको निकाल निकाल करके, चुन चुन करके, उखाड़ उखाड़ करके बाहर नहीं फेंक देते, तब तक हम किस प्रकार से समझें कि हम सत्य के मार्ग के ऊपर हैं, सत्य के रास्ते के ऊपर हैं, हम कैसे मोक्ष की उम्मीद कर सकते हैं। जब हम उस लेवल की मेहनत ही नहीं करेंगे, जब हम उस लेवल का प्रयास ही नहीं करेंगे, जब तक हम उस लेवल की चढ़ाई ही नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम उस मंजिल को नहीं बनाएंगे, जब तक हम वहाँ नहीं चढ़ेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता कैसे चढ़ाई होगी, जब तक हम नाम सुमरण नहीं करेंगे, जब तक धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, उस परमात्मा की कृपा कैसे बरसेगी। जीव के ऊपर कृपा बरसाता है, वो हर पल बरसाता रहता है। जब मानव का चोला दे दिया, प्रकृति में छोड़ दिए, संसार के अंदर छोड़ दिए, सब सुख सुविधाएं दे दिया आपको, ऐसे परिवार के अंदर जन्म दे दिया, सात्विक के अंदर आपके परिवार वाले जो भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तौर तरीके से परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से सात्विक भोजन है, सात्विक रहन सहन है, सब कुछ अच्छा व्यवहार है, समय भी मिल पा रहा है, बुद्धि भी अच्छी है, परमात्मा ने शिक्षा भी अच्छी दी है, रास्ते भी सब खोल दिए, उस ओर बढ़ने के लिए सहायता भी कर रहा है, संतों के साथ भी तालमेल बना रहता है, लेकिन फिर भी अगर भजन ना हो तो और भी मुश्किल है, बड़ी विकट समस्या है। अगर इसके साथ केवल ध्यान जुड़ जाए, सुमरण जुड़ जाए, नाम का सहारा मिल जाए, फिर आप देखो कि संसार के साथ साथ आपका आध्यात्मिक उत्थान भी कितना जल्दी शुरू हो जाता है, आपकी सुरती कितनी ऊंचे उठने लगेगी, ये कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत का शक्तिपात शुरू हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, ये कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है तब तक उम्र जा चुकी होती है कि अरे हमने तो समय गंवा दिया,
कभी हम किसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी किसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, और संसार ही संधाधुंध दौड़ के कारण ही समय गुजर जाता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी संचय करें, कुछ कुछ भी इकट्ठा करते जाएं, जिस प्रकार से आप अपने अकाउंट में कुछ न कुछ जोड़ना शुरू कर दो, और भूल जाओ उसको डाल करके, तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप ये नाम का बीज बोओगे, धर्म का बीज बोओगे, जब ये धर्म का बीज बोएगा तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। आप इसका पालन पोषण करते रहें, ये वृक्ष बन जाएगा और एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा, इसके खुद भी फल लगने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा संचय करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ी मर्यादा बनानी होगी, भजन करना होगा और इस पेड़ को चारों तरफ से संभाल करके रखना होगा। नहीं तो शत्रु आएंगे, आशा तृष्णा आएगी और इसको उखाड़ करके बहा ले जाएगी, क्योंकि मौसम के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। मानव का मन एक जैसा नहीं होता, मानव के मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो जिसने कभी भोग नहीं भोगा उनके मन के अंदर विचार भोग के उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने कोई वस्तुएं नहीं खाई वो लालसाएं उत्पन्न होती हैं। आदमी का भोजन मात्र थोड़ा सा होता है वो करे तृप्त, लेकिन मन के अंदर इतने विचार चलते रहते हैं, ये भी हम खाएँ, वो भी हम खाएँ, ये भी करें, वो भी करें, क्या कितना भोग सकता है आदमी, कितना खा सकता है, कितना पी सकता है, कितना झेल सकता है, कितना सुखी हो सकता है। ये मात्र छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक दो दो मिनट, दो दो चार चार मिनट की, लेकिन मानव 24 घंटे इन्हीं विचारों के अंदर फंसा रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, इसी उधेड़बुन के अंदर फंसा रहता है, कैसे किसको फंसाऊं, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे चाल चलनी चाहिए, कैसे खेल खेलना चाहिए, कैसे दिमाग में घुसना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कितना बड़ा बवंडर बना दिया ये सब कुछ। जब तक मानव इस बवंडर से बाहर नहीं निकलता, जब तक मानव इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, जब तक मानव इन चीज़ों का तालमेल नहीं बना पाता, जब तक मानव जागृत नहीं होता, जब तक मानव के अंदर इतना विवेक पैदा नहीं होता, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कि सच क्या है और मोक्ष क्या है, अनेकों सवाल जो घूमते रहते हैं, घूम घूम करके वापिस आ गए, फिर टकराए, फिर वापिस आ गए। लेकिन जो विचार अंदर में संकल्प हो जाता है, संकल्प का रूप ले लेता है, वो मजबूत हो जाता है। तो अपने मन के अंदर ऐसे संकल्प मत पैदा होने दो, ऐसे संकल्प मत करो जो आपके रास्ते की रुकावट हो, आपके रास्ते में रुकावट पैदा करें, मार्ग में आपको रोक दें, ऊंची हुई स्थिति को गिरा दें। ऐसे संकल्प कभी मत लो। जो भी संकल्प लो, शुद्ध हो, सात्विक हो, धर्म के अनुसार हो, ज्ञान के अनुसार हो, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने भक्ति नहीं की और संकल्प कर दिया, आपके अकाउंट में जो इकट्ठा वो भी समाप्त हो जाएगा।